तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 का। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस इन विच द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, ठीक है, डी से एक एल्टीट्यूड गया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ए बी को वो बायसेक्ट भी कर रहा है। एल्टीट्यूड तो है ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाए गई, साथ में वो उसको बायसेक्ट भी कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, देन एंगल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो चलिए करते हैं इसको। देखो रोम्बस का हमें पता है कि सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सारी साइड्स को क्या ले लेते हैं, टू। ठीक है, सारी साइड्स को अगर हम टू ले लेते हैं तो यहां से लेके यहां तक वाली साइड ये वन आएगी और यहां से लेके यहां तक ये भी वन आएगी। और इसको कोई पॉइंट मान लो, यहां पे ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम मान लेते हैं ई मान लो। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है यहां पे एक डायगोनल भी बनेगा, बी डी, ये डायगोनल्स होते हैं इसके। हमें सिर्फ बी डी तक डायगोनल चाहिए, क्यों चाहिए उसका मैं रीजन बताता हूं अभी, क्योंकि इससे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी और ट्रायंगल्स बनने से हमें यहां पे इसको प्रूव करने में और ये वाले जो दो एंगल्स हैं फाइन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब देखो क्या करना है यहां पे, तो हमें क्या करना है, हम यहां पे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है इस तरह से कुछ, जिससे हम आसानी से हमारा बी ई फाइन कर सकते हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई ए। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बी ई स्क्वायर के प्लस ई बी स्क्वायर के या बी ई स्क्वायर के। अरे ये तो मैंने पहले ही देख दिया, ए बी हो गया वो भी हो गया तो ए ई बचा। ए ई हमें पता है वन के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, तो यहां पे इसको टू का स्क्वायर बी ई हमें निकालना है और ए ई हमारा वन है, इसका स्क्वायर करोगे भी तो वन ही रहेगा, वन इधर आके माइनस होगा और ये बन जाएगा फोर माइनस वन, तो हमारा बी ई किसके इक्वल आ जाएगा, रूट थ्री के। अब हमने ये वाली लेंथ फाइंड कर ली है, अब हम क्या करेंगे इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। अगर इसका डायगोनल फाइंड कर लेते हैं तो हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि दो ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाती है उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो अब आपको फाइंड करना है बी डी, ये वाली साइड आपने फाइंड कर ली, ये वाली आपके पास है तो बी डी भी आ जाएगा। अब ट्रायंगल में चलो बी ई डी में, ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है, बी ई स्क्वायर 90 डिग्री के सामने बी डी है तो पहले बी डी लिख लो यहां पे प्लस डी ई स्क्वायर। अब बी ई हमने अभी अभी निकाला है तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस डी ई हमारा है वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर, और फोर का स्क्वायर रूट होता है टू। ये जो बी डी है ये भी हमारा टू है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स नहीं बन रही है, और ये कौन सी वाली ट्रायंगल्स बन रही है, देखो ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, तो कौन सी ट्रायंगल हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60 और इधर से भी 60। अब हमारा एंगल जो ए है वो तो आ जाता है 60 डिग्री के, और एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, 60 इधर से आया, 60 इधर से आया, तो एंगल बी हमारा आ जाता है 120 डिग्री, एंड यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। हमने इधर से शुरू करा, बी डी फाइन करा, दोनों ट्रायंगल्स को इक्विलेटर प्रूव करा एंड उससे हमने एंगल्स निकाल लिए, दैट्स इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड डज पॉलीगन हैज। अगर आपको याद हो तो रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर एन, और जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है एन माइनस टू ओवर एन इंटू 180 डिग्री। और इसको कई जगह पे क्या दिया जाता है, इसको कई जगह पे ये दिया जाता है कि टू
एन माइनस फोर ओवर एन इंटू 90 डिग्री। तो एक ही बात है, यहां पे मैंने सिर्फ 2 कॉमन निकाला है और उसको 90 से मल्टीप्लाई करके 180 बना दिया है। कोई फर्क नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये यूज करो ये यूज करो, आपकी मर्जी है। तो आपको जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है वो 1/3 दिया है इंटीरियर एंगल के। दोनों फॉर्मूले पुट करवाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 ओवर एन 1/3 एन माइनस 2 ओवर एन इंटू 180 डिग्री। ये कट जाएगा 3 के टेबल पे, आ जाएगा 60 यहां पे, उसके बाद ये 60 इसको काट देगा कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। तो 6 ओवर एन इज इक्वल टू एन माइनस 2 ओवर एन, ये एन ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, एन माइनस 2 आ गया हमारा 6 के इक्वल और एन आ जाएगा 8 के इक्वल। तो द नंबर ऑफ साइड्स दैट पॉलीगन हैज इज 8। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। फर्स्ट का हमारा ए था जो मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जब भी क्वाड्रिलेटरल किसी के जो एंगल्स होते, जो क्या कहते हैं उसको, डायगोनल्स होते हैं, वो अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करके जाए ना एक दूसरे को, तो ये बनती है हमारी रोम्बस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रोम्बस, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ और मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। अभी हमने फॉर्मूला करा था कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 360 डिग्री ओवर एन। अभी हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एन हम फाइंड कर लेंगे, एन को इधर ले आते हैं और 60 को नीचे ले आते हैं, ये कट के आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ साइड्स होंगी 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दैट्स इट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वाले दो एंगल्स तो आप निकाल लोगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो यहां से ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 120 डिग्री और इधर से ये वाला एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा देखो 120 और ये बन जाएगा 230 एंड 230 प्लस 30 हो जाता है 260, एक्स प्लस एक्स हो जाता है 2x। लेकिन ये इक्वल टू किसके आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर तो चार साइड्स होती तो मैं सीधा 360 लिख लेता, लेकिन अभी मैं नहीं लिख सकता हूं। अभी हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे n माइनस 2 इंटू 180, जिससे हमें अगर साइड्स कितनी हैं उसके हिसाब से हमें एंगल का पता चलता है। तो n यहां पे है 5, तो 5 माइनस 2 होता है 3, 3 इंटू 18 होता है 540, 540 माइनस 260 कितना होगा 280, 280 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 140 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन बी में ऑलरेडी गिवन है। तो दैट्स इट। बस आपको अगर फॉर्मूले सारे के सारे याद है, जब भी आप करने इसको बैठो तो पहले फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लेना, क्या क्या चीजें इसमें यूज होंगी क्या क्या नहीं, वो सब कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली बात तो पैरेलल किस किस में होती है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ ऑपोजिट की बात कर रहा है। तो ऑपोजिट हमारे होते हैं पैरेललोग्राम में और किसी में नहीं होते। काइट के होते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल और पैरेलल, ठीक है, उसके बाद एडजेसेंट पैरेलल नहीं होती है, सॉरी उसमें। तो काइट में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट साइड्स होती हैं इक्वल। ट्रेपेजियम में दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। पैरेलल सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन, द गिवन पॉलीगन दिस वन इज। पहली बात तो हमें पता चल रहा है कि सिक्स साइड्स हैं तो हेक्सागन तो है ही है, लेकिन उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स भी आपको उसने पूछा है कि ये कौन सी है। तो ये है कन्वेक्स। क्यों कन्वेक्स है, क्योंकि ये सारा का सारा इसकी जो पॉइंट्स है वो आउटसाइड की तरफ आउटवर्ड हमें पॉइंट कर रहे हैं। अगर एक भी पॉइंट इनवर्ड कर रहा होता तो वो कन्केव हो जाता, अभी कन्वेक्स है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप इसको सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी इसकी एनसीईआरटी के ऊपर,
तो आप वो जाके देख सकते हो, इसमें उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एथ क्वेश्चन पे। एथ क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:5। इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो जो एडजेसेंट एंगल है वो किसमें है, रेशियो 3:5। तो हम इसको लिख लेंगे 3x + 5x = 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 8x, तो ये चला जाएगा अपना पहले तो 4 के टेबल पे काटेंगे तो ये आएगा 4 4 16 4 5, और ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो x आया हमारा 22.5 डिग्री। इसको करो 3 से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 5 7 7 6। एक तो एंगल आया आपका 67.5 डिग्री, तो ऑपोजिट उसके एंगल जो होगा वो भी तो यही होगा, दो एंगल हो गए। उसके बाद 5x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 5 2 carry 12 1 carry अगेन 5 2 10 + 1 11, तो 112.5 और 67.5, यही आपके दो आंसर है जो कि ऑप्शन सिर्फ बी में दिए हुए हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसीलिए दो दो एंगल्स हैं यहां पे। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट है। 6th का सी था, 7th का डी और 8th का क्या है, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो हमारा 9th क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये सारा का सारा पढ़ लेना बहुत आसान है। ठीक है, यहां पे एक चीज है कि जो आरटी है वो पैरेलल है एसक्यू के, ये वाली छोटी सी लाइन ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है। उसके बाद कुछ एंगल्स गिवन है और क्यू आर टी हमें फाइंड करने के लिए बोला है, ये वाला एंगल। तो अब देखो ये एस क्यू हमें पैरेलल दी है आर टी के, तो अगर ये पैरेलल है दैट मीन्स इधर से अगर हम जाएं ऐसे एंड ऐसे, तो दिस वन और ये वाला जो एक्स है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम वाई मान लेते हैं। तो मतलब हमें यहां से पता है क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो हम x को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, y को फाइंड करो। और y को फाइंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360, तो 85 + 100 = 185 + 40 होता है 225, और 225 + 70 हो जाएगा आपका 295 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इसमें से माइनस करो तो y आपका आ जाएगा 65 डिग्री। अगर आपका y 65 है तो x किसके इक्वल होगा, x भी आपका 65 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको लाइंस एंड एंगल क्लास 7 का चैप्टर जो था वो याद है तो ये आसान है, अगर वो याद नहीं है तो जाके आप याद कर सकते हो। मैंने इसके बेसिक के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो उस बेसिक को करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो हमारा 10th क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स। अब टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स सिर्फ और सिर्फ काइट्स में ही आती है, यह मैंने बताया था थोड़ा सा शायद, तो नहीं बताया तो अभी पता चल गया होगा। कंसेक्यूटिव साइड्स उसकी इक्वल होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इट इज नॉट नेसेसरली अ रोम्बस, एवरी क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ ट्रेपेजियम अ पैरेललोग्राम और अ काइट। ये लास्ट वाला तो सीधा सीधा ही गलत है यार, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो डी तो हमारा सीधा सीधा कट जाता, बाकी का आपको यहां से पता चल जाएगा। देखो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होते हैं, स्क्वायर के देखो वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे,
रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे और पैरेललोग्राम के सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट और इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, तो बी भी गलत है। सी में देखो इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट क्यों बोल रहा हूं बार बार इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इट इज नॉट नेसेसरली अ रोम्बस। ठीक है, यहां पे देखो रोम्बस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइसेक्ट तो राइट एंगल में स्क्वायर में भी कर रहे हैं, तो ये क्या जरूरी है कि वो सिर्फ रोम्बस ही हो, वो स्क्वायर भी तो हो सकता है। लेकिन हम ए ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने तो सिर्फ पढ़ा कि वो बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी ही बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज याद रख लेना, अगर ये प्रॉपर्टीज याद होंगी तो बहुत आसान होगा। इसमें काइट को भी ऐड कर लेना, काइट का वैसे डायगनल्स का तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद कर लेना कि काइट की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, ओके। और काइट इस तरह से बनती है, कुछ बिल्कुल वो ही जो हम बिल्कुल रोम्बस में बना रहे थे ना, वैसी वाली बनती है, ये इक्वल, ये दोनों इक्वल, और बीच में इसका डायगनल भी गिवन होता है, तभी इसको बनाना पॉसिबल है, अदरवाइज ये बन ही नहीं सकती कभी भी। तो ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना, तभी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। सब कुछ वो मिक्स करके आपसे पूछेगा, लाइंस एंड एंगल्स भी बीच में मिक्स कर देगा, जो कि आपने क्लास 7 में ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया हुआ है। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा 12th क्वेश्चन है, फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो दिस, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ये आप मुझे बताओगे, इसको ऐड करो इसके साथ एक वेरिएबल लगा के, इज इक्वल टू 360 करो, उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन होगा 7x और स्मॉलेस्ट कौन होगा 3x, इन दोनों का एंगल का सम फाइंड करके आंसर आपका आ जाएगा इनमें से कोई, और क्या आंसर होगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, जिसमें बोल रहा है ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं आर इक्वल इज सेट टू बी, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है ना तो इसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो 13 का आंसर तो लगा लो सी। ठीक है, उसके बाद आओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 360/n। उसने बोला है कि ये इनमें से कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, तो अगर हम यहां पे नंबर लिख दें एन और यहां पे एक्सटीरियर एंगल लिखें, एक्सटीरियर एंगल में से देखो एक्सटीरियर एंगल की जो आप वैल्यू पुट करवाओगे वो पूरा पूरा इसको कट करना चाहिए, तभी आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आएंगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में तो आएंगी नहीं, ऑब्वियसली पूरी की पूरी एक साइड होगी ना, तो एक्सटीरियर एंगल वो होना चाहिए जो इसको कंप्लीटली कट करे, और इसको कंप्लीटली कट करने के लिए देखो 36 डिग्री आराम से इसको कट कर सकता है, 45 भी इसको आराम से कट कर सकता है, 30 भी इसको कट कर देगा, लेकिन 22 इसको कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 22 में आपके पास आ जाएगा दिस वन। तो 11 और 180 कभी भी एक दूसरे के साथ कट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर है वो 22 कभी नहीं हो सकता, और आंसर ए आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं 15th क्वेश्चन पे, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। ठीक है, एक सिर्फ पेयर पैरेलल है, बाकी दूसरा पेयर पैरेलल नहीं, अगर दूसरा हो जाता तो पैरेललोग्राम लिख लेते, अभी सिर्फ एक ही है तो ट्रेपेजियम आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। ठीक है, अब हम करते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन। तो हमारा 16th क्वेश्चन देखो, अब नमन हैज 10 मैच स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सारी की सारी इक्वल लेंथ की, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन ऑल ऑफ देम इन सच अ वे दैट दे मेक अ रेगुलर पॉलीगन, एट व्हाट इंटरनल एंगल ही हैज टू ज्वाइन मैच स्टिक विद ईच अदर। ठीक है, देखो इंटरनल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, कितनी है नंबर ऑफ साइड्स 10 है, तो 10 पुट करवाओगे ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 10 × 180 आएगा, ये 0 से 0 कटेगा और ये आ जाएगा 144 डिग्री। दैट मीन्स उसको 144 डिग्री का इंटरनल एंगल लेना पड़ेगा जिससे वो एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा, और हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा, वो खुद बनाता रहेगा, हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ आंसर फाइंड करना था।
17 देखो, देखो अब अतुल इज प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम की फॉर्म की है. ही ऑब्जर्व दैट द डायगोनल्स ऑफ प्ले ग्राउंड आर 80 एंड 60 मीटर लॉन्ग, सो द प्ले ग्राउंड कैन बी द शेप ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम में तो कितनी टाइप्स की आती है ना आगे पैरेललोग्राम. अब देखो हमने पढ़ा था रेक्टेंगल जिसके डायगनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यहां पे डायगनल्स इक्वल है नहीं है. ऐसा ही हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था, स्क्वायर के भी डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो यहां पे ये नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा ए और डी तो यहां से एलिमिनेट हो गए. अब बात करते हैं काइट की, काइट किधर से आपको ये पैरेललोग्राम दिख रही है, तो काइट तो भाई पैरेललोग्राम में ही नहीं आती, तो ये भी सीधा सीधा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. और अब हमारा ऑप्शन बचता कौन सा है, ऑप्शन बी बचता है, तो ये एक रोम्बस की शेप में हो सकती है पैरेललोग्राम, दैट डजंट मीन कि वो पैरेललोग्राम ही होगी, पैरेललोग्राम में भी अलग अलग शेप्स आती हैं, जैसे रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि उसकी ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरलर होती हैं, दैट्स इट. इसका ऑप्शन बी आएगा क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं थे इसलिए. अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, जो 18th क्वेश्चन है इसके बारे में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आपको इनको मिलाना है एक दूसरे के साथ, मैच करने के बाद आप बताओ मेरे को यहां से कौन सा आपका आंसर आता है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखता हूं एंड इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे. तो आपके लिए दो क्वेश्चंस मैंने दे दिए, एक था 12th और एक है ये 18th क्वेश्चन, इन दोनों के आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे. अब हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे जिसमें हमें एक्स वाई और जेड फाइंड करना है और उसकी फिगर मैंने ऑलरेडी बना ली है यहां पे, बहुत आसान है. देखो इधर देखो सी बी ई ट्राइंगल, एक यहां पे ये वाला एंगल दिया है, ये वाला 90 डिग्री दिया है, तो x हमारा फाइंड हो जाएगा और x हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 40 प्लस 90 कितना होता है 130, तो 130 अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 डिग्री आएगा. दिस इज अ पैरेललोग्राम जो कि हमें गिवन भी है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए जेड भी हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री. अब अगर Z भी 50 डिग्री आ गया है तो Y को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस एंगल को फाइंड कर लेता हूं, ये वाला एंगल जब मेरे पास आ गया तो मैं पूरा का पूरा एंगल ऐड कर दूंगा, ठीक है. और पूरा का पूरा एंगल फाइंड करने के लिए मुझे ये वाले एंगल से मैं ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के. तो इस तरह से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से फाइंड कर सकता हूं, सारी की सारी चीजें आराम से फाइंड कर सकता हूं. तो x और z तो मैंने फाइंड कर लिया, अब x और z के बाद यहां पे अगर हम ऑप्शन में देखें, चलो ऑप्शन छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, z और x मैंने फाइंड कर लिया, इसके बाद मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 प्लस 50 कितना होता है 140, तो इसको मान लेते हैं हम a, तो हमारा एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री के. अगर ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल 40 है, तो वाई किसके इक्वल होगा, 80 माइनस करना पड़ेगा किसमें से, इन दोनों के सम में से. तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 50 प्लस ये बड़ा वाला एंगल जो है बीसीडी 180 के, तो एंगल बी सी डी हमारा आ जाएगा 130 डिग्री के, और इसमें से अगर हम 130 डिग्री माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा 50 डिग्री. तो एंगल वाई भी 50 है, जेड भी 50 है और एक्स भी 50 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी राइट है, दैट्स इट. ठीक है, यहां पे सिर्फ यही ध्यान रखने की जरूरत थी कि ये एक पैरेललोग्राम है और उसके बाद ट्राइंगल्स में जाना जाना था, छोटी छोटी सी. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था. इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, उसको करते हैं. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, आपने सुना होगा कि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होती है, तो ये वाला तो भाई इनकरेक्ट नहीं है. आगे चलते हैं, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल.
जो एक रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, ये हमने पढ़ा था अभी अभी, और उसके एंगल जो होते हैं 90-90 डिग्री होते हैं, तो इक्वल एंगल्स भी होते हैं, ये भी करेक्ट है, तो ये कैसे गलत हो सकती है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हूज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 540 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की तो साइड्स ही चार होती हैं, और चार साइड्स के क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम 360 होता है, तो भाई तू 540 कैसे कह रहा है। इसीलिए हमारा जो 20th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला आपका चैप्टर खत्म होता है, जो कि बहुत आसान था अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं और थोड़ी बहुत आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पता है चैप्टर में, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आपको सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ेगा। पिछला भी याद होना चाहिए क्लास का, और आज वाली जो अब वाली क्लास में हो 8th क्लास में वो तो याद होना ही चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है, मिलेंगे हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो में, और अब वीडियो बिल्कुल स्पीड से आएंगी क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल फास्ट स्पीड से आएंगी, और आपका 15th या 20th अक्टूबर से पहले पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।